अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ एक नया व्लॉग लेके हाज़िर हुई हूँ। जैसा कि व्लॉग के स्टार्ट में हमने देख लिया होगा कि मैं क्या कर रही थी, कारनामा। सो मैं यहाँ पर अपने कज़न के हॉस्टल पर आया था मैंने एक, तो बस मैं वो ट्राई कर रही थी। उसके बाद फिर ये मैंने सारा कबाड़ अपने निकाल के रखा हुआ था और यहाँ पर मैं देख रही थी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से अपनी वैनिटी की सफ़ाई नहीं की हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं निकाल के सारी चीज़ें जो मुझे यूज़ करने वाली हैं उनको मैं एक साइड पे करती हूँ, और जो मैं यूज़ नहीं करती या फिर जो ख़राब हैं या मैं अब नहीं यूज़ करूँगी उनको मज़ीद, तो उनको मैं एक साइड पे कर दूँ। तो बस यहाँ पे मैंने एक बॉक्स देखा था, ये कुछ ऑर्गेनाइज़र टाइप है, मेकअप का बॉक्स ही है ये। तो यहाँ पर मैंने देखा था और मुझे थोड़ा कन्वीनियंट लगा, मैंने कहा चलो इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने चीज़ें सेट करी थी सारी, सोच रही थी कि मैं इसमें रखूँ सारी चीज़ें, और इसमें स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा थी ना। तो पहले मैंने इसको सफाई की, इसके अच्छे से साफ़ सुथरा इसको किया मैंने। फिर उसके बाद मैंने मोबाइल दी अपनी कज़न का, मैंने कहा तो मोबाइल पकड़ो और मैं ज़रा ये सेटिंग कर लूँ इसकी। अच्छा, अब पहले तो मुझे समझ नहीं आई, पहले मैंने चीज़ें एडजस्ट करना स्टार्ट की और जब मैं चीज़ें डालना शुरू हुई तो जगह कम पड़ गई मेरे पास, मतलब इतनी जगह नहीं थी इसमें जितनी मेरे पास चीज़ें थी। तो कुछ चीज़ें मैंने डाली ही नहीं, फिर जो चीज़ें मेन मेन थी जो मुझे चाहिए थी तो वो मैंने इसमें रखी, और मैंने इसको काफ़ी सारी एडजस्टमेंट करना चाहिए पर नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने इसकी सेटिंग एक दफ़ा उसको कंप्लीट किया, फिर उसके बाद दोबारा से मैंने इसकी सेटिंग चेंज की क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा था। तो है यहाँ पे पहले मैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी जिस तरह से फाउंडेशन स्टिक वगैरह होगी तो वो मैं इधर रख रही थी, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मीन्स लाइनर और कुछ ग्लिटर्स वगैरह और ब्रो के जो हैं पाउडर्स वो मैं ऊपर रख रही थी। बाकी फिर उसके बाद साइड्स पे मैंने इसको फिलअप किया और फिर ये बंद ही नहीं हो रहा था, तो बड़ी मुश्किल से जो है मैंने इसको कवर किया क्योंकि नहीं हो रहा था कवर। इसमें जो चीज़ें मैं न्यू लेके आई थी वो भी मैंने इसी में रखी थी क्योंकि आगे मुझे इसको यूज़ करना था, खैर पॉलर के लिए मुझे इसे यूज़ करना है। तो खैर ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करने वाली हूँ पॉलर में ही। तो बस यहाँ पे मैं सारी चीज़ें सेट कर रही थी और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हो गई थी, और इसके अलावा भी काफ़ी सारा मेकअप है मेरा जो कि मैंने निकाला ही नहीं है। तो खैर अभी मैं इसको यूज़ करूँगी और उसके बाद फिर मैं दूसरी तरफ जाऊँगी। यहाँ पे मैं लिप पेंसिल्स थी मेरे पास हैं बल्कि मेरे पास और लिप पेंसिल्स मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लिप पेंसिल लगा के फिर आप लिपस्टिक लगाओ तो वो ज़्यादा लुक आती है। तो है यहाँ पे मैंने हर कलर के लिए पेंसिल लेके रखी हुई है, और यहाँ पे ये वाइट पेंसिल थी मेरे पास जो मैंने उस दिन लेके आई थी अमायली की। खैर उसके बाद यहाँ पे मेरे ख्याल से ये ब्रश के होल्डर्स थे, पर मेरे पास ब्रशेज अभी थे नहीं क्योंकि मैंने अभी लिए ही नहीं, तो बस यहाँ पे मैंने पेंसिल्स वगैरह जो हैं अटका दी थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे नीचे वाला जो पोर्शन है उसको खोला, उसके अंदर मैंने अपने सारे जो लिक्विड हैं ग्लॉसेस ये मैंने रखे। उसके बाद तो मेरे पास लिपस्टिक्स, क्योंकि मैं बहुत कम लिपस्टिक्स यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादा लिपस्टिक्स नहीं यूज़ करती क्योंकि मुझे जो है लिपस्टिक्स नहीं पसंद जो उतर जाती हैं बार बार, तो मैं जो है परमानेंट यूज़ करती हूँ, मतलब 24 आवर्स तक तो स्टे करता है ये। फिर उसके बाद एक क्रियोन है मेरा मोस्ट फेवरेट है, इसको मैं रखती हूँ बस हमेशा अपने पास, और बस यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें रख दी थी। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं एडजस्ट करी थी अपने नेल पेंट्स वगैरह को, और मस्कारा वगैरह था, लाइनर वगैरह था, उनको एडजस्ट करी थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने फिक्सर रख दिया एंड में, और इसको मैंने बंद करना चाहा पर ये बंद ही नहीं हो रहा था। फिर यहाँ पे आके मैंने इसकी सेटिंग दोबारा से चेंज की। अब आप देखेंगे क्योंकि मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी, मुझे खुद भी नहीं पता था कि करना क्या है और मेरी चीज़ें आ भी नहीं रही थी इसमें। फिर मैंने इसकी सेटिंग दोबारा से चेंज की और मैंने जो है ना दोबारा से इसको शफल किया सारी चीज़ों को। अब यहाँ पर मैंने इस लिपस्टिक को रखा, ऐसा रखना चाहा पर ये आ ही नहीं रही थी। फिर मैंने खैर इसको बोला, मैंने कहा अपनी कज़न को दे देती हूँ, मैंने कहा तू ले ले मुझे ये तो नहीं आ रही इसके अंदर। खैर उसके बाद फिर यहाँ पे मैं दोबारा से सेटिंग उसकी चेंज करी थी, अब मैंने इसको शफल किया और अब ये जो चीज़ें थी वो आ गई थी क्योंकि पहले मैंने आई शेडो रखनी थी और आई शेडो के लिए जगह ही नहीं बची थी। तो यहाँ पे मैंने पैलेट ऊपर रखी सबसे पहले, और फिर नीचे उसके मैंने ब्लश रखा। उसके बाद फिर जो हाइलाइटर वगैरह है, प्राइमर वगैरह, वो मैंने रखे। प्राइमर से फिर वो बंद नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने प्राइमर को साइड पर रख दिया था, मतलब ना ये जो कॉर्नर पर थोड़ी सी कॉर्नर पर जगह है इसके अंदर मैं डाल के बंद कर देता था क्योंकि ऐसे बंद नहीं हो रहा था प्राइमर के साथ। तो अब मैं बड़ी परेशान हो रही थी कि क्या करूँगी, प्राइमर तो बंद ही नहीं हो रहा अब। तो खैर मैंने इसको फिर, मेरी कज़न ने कहा कि हो जाएगा बंद, मैंने कहा नहीं ऐसे कुछ हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैंने इसको साइड पे कॉर्नर पर रख दिया, और जो कुछ पेंसिल्स एक दो मेरे पास और बची थी मेरे ख्याल से, तो वो मैंने यहाँ पे नीचे जो बने हुए थे इस तरह के होल्डर्स वहाँ पे मैंने अटैच कर दिया था उनको। खैर यहाँ पर अब मैंने इसकी सेटिंग सारी कर ली थी, मतलब हर चीज़ सेट हो गई थी, और अब मैं जो है इसको बंद करके स्यापा मुकाने लगी थी। और यहाँ पर मैं एक दफ़ा लास्ट टाइम दिखा रही थी, मैंने कहा दिखा दूँ ताकि मतलब पता चल जाए सबको कि मैंने बहुत बड़ा कोई तीर मारा है ना। खैर यहाँ पे बस मैं दिखा रही थी कि इस तरह से मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की अपनी,
खैर मैं इतनी कोई वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं काम करती अपना, पर कभी कभी दिल करता है और कभी कभी जब टाइम होता है तो फिर बंदा कर भी देता है ऐसा काम। मैंने मुझे इतना कोई शौक नहीं, जहाँ पर कोई चीज़ यूज़ की वो वहीं पर रखी और बस चल दिए। खैर अभी ये चीज़ें वो हैं जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करती। डेली बेसिस पे जो भी यूज़ कर रही थी वो मैंने बिल्कुल अलग रखा हुआ है, और वो मैंने जिस हालत में रखा है वो मैं दिखा भी नहीं सकती कभी किसी को। तो खैर यहाँ पे अब ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी और ये इसको बस बंद कर दिया, और उसके बाद इसको मैंने रख दिया साइड पे, क्योंकि जब तक ये सामने था ना तो मेरा भतीजा इसी में था कि है क्या इसमें, इसमें कौन सी कोई नई अनोखी चीज़ आ गई है। तो खैर उसके बाद फिर मैंने कब को बताया था लास्ट वीडियो में भी कि मेरा हेयर फॉल बहुत सीवियर हेयर फॉल हो रहा था मुझे, तो मैंने दराज से बस कुछ चीज़ें ऑर्डर की, क्योंकि मैंने ऑयल बनाना था। एक मैंने ये हिबिस्कस फ्लावर ऑर्डर किए थे, ड्राई हिबिस्कस फ्लावर, और एक मैंने यहाँ पे रोजमेरी लीव्स ऑर्डर किए थे। तो दोनों के प्राइसेस भी आपके सामने, और यहाँ पे मैंने बॉटल्स ऑर्डर की थी, ये इस तरह की डिस्पोजेबल स्प्रे बॉटल्स जो होती हैं ये मैंने ऑर्डर कर ली, और मेरा दिमाग भी काम कर रहा था, वरना ये होता है कि मैं दो रोज़ वाटर की दो बॉटल्स मंगवा लेती तो मेरा काम चल जाता है। यहाँ पे मेरा टोटल बिल था 900 रुपीज़, और दराज वाले ये बड़ा गंदा काम करते हैं, कैसे मेरा बड़ा दिल कटता है दराज वालों की तरफ से कि इनसे अगर 10 चीज़ें मंगवाओ और ये हर चीज़ को अलग अलग ला के देंगे तो बंदा जो है ना ये डिलीवरी ही ले लेके मर जाता है, मतलब मैं तो बड़ा होता है मुझे तो है। और मेरे घर में जब आते हैं ना डिलीवरी करने, मतलब क्या करते हैं डिलीवर करने जब चीज़ें आते हैं, तो फिर मेरे भाई भी मेरी शक्ल देख रहे थे, कहते हैं खुद चली जा कर ले आया कर जाके, ये कौन से सोचने हैं। खैर पर नहीं, टाइम ही नहीं मिलता मुझे, फिर मैं ऐसे ही मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक पार्सल आ गया था जो कि सबसे फर्स्ट मेरा पार्सल था, ये तकरीबन 400 का था, और ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर मुझे रिसीव हो गया था जो कि था ड्राई हिबिस्कस फ्लावर, और ये मैंने मंगवाए थे हेयर ऑयल के लिए ही, चूँकि हिबिस्कस फ्लावर जो होते हैं वो हेयर ऑयल मतलब बालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत अच्छा एक रोल प्ले कर रहे होते हैं बालों में ना, बालों का लस्टर और शाइन वगैरह जो खो जाती है, हेयर फॉल हो जाता है जब आपके बाल फ्रिज हो जाते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा इंप्रूव करती है ये वाले फ्लावर्स होते हैं। तो ये अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो वेरी गुड, पर मैंने फ्रेश बहुत सी जगहों से पता किया पर मुझे कहीं नहीं मिले, एक दो पंसार स्टोर से मैंने जाके पता किया पर मुझे थोड़ा सा नहीं ऑथेंटिक नहीं लगे, तो मैंने यहाँ से मंगवा लिए। फिर उसके बाद शाम के टाइम था, तकरीबन रात का टाइम था ये, और इस टाइम मामू लोग मेरे वापस चले गए थे, अपने मेरे कज़न जो है अपने घर वापस चले गए थे, तो यहाँ पे मैं जो है मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, और फिर मैंने जो है ये बिस्किट्स वगैरह निकाले और इसको मैंने खाना स्टार्ट किया। खैर ये मेरे फेवरेट बिस्किट्स हैं फ्रेंड्स, बट इनका साइज़ देख के ना मुझे बहुत दुख होता है, मतलब इतने छोटे कौन करता है भाई, एक तो तुम प्राइस बढ़ा रहे हो ऊपर से छोटे करी जा रहे हो उनको, अजीब ही है, मतलब कुछ समझ नहीं आती मुझे है। यहाँ पे मैं ये बिस्किट्स वगैरह अपने खा रही थी, ठूस रही थी, और मेरे साथ सोच भी रही थी कि मेरा नेक्स्ट पार्सल कब आएगा, और मेरे साथ साथ ये दुआ भी कर रही थी कि यार अल्लाह जब मेरा नेक्स्ट पार्सल आए तो मैं घर पर ही हूँ, ताकि होता है कि बंदा कंट्रोल कर लेता है सिचुएशन को, ये ना हो कि भाई मेरे जाग रहे हों और मेरा पार्सल आ जाए, भाई घर पे हो तो मेरा पार्सल आ जाए फिर बेइज्जती होती है थोड़ी सी। खैर उसके बाद बस यहाँ पे मैं विस्पी खा रही थी, और ये मज़े की होती है, पर इसकी स्मेल बहुत तेज़ हो गई है अब तो, पता नहीं क्या हो गया इसको, पहले ये बहुत मज़े की लगती थी पर अब इसकी स्मेल बहुत तेज़ हो गई बहुत ज़्यादा। अच्छा यार यहाँ पे मेरे साथ ना थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी, मतलब मैं लास्ट टाइम शूज़ लेके आई थी और वो शू पहन के मैं चली गई अपने स्कूल चली गई ना सुबह में, तो बस वहाँ पे जो है इतना गंदा वाला शू वाइट हो गया मुझे, यहाँ पे तो बहुत कम था, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे ये बहुत ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा शू वाइट हुआ था मुझे कि मुझे खुद कुछ भी आसार लग रहे थे, मुझे लग रहा था मेरा पाँव ख़राब हो जाएगा। खैर मैं फिर यहाँ पे मेरे स्किन स्पेशलिस्ट हैं उनके पास गई, और उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, उन्होंने कहा बेटा कि आप मेडिसिन खाओ और जो है इसको गर्म पानी में रख के आपने पैराडाइन लगानी है जस्ट, और कोई भी मेडिसिन नहीं लगानी वरना ज़्यादा ख़राब हो सकता है। और मैं जिसको मैदे का पहले मर्ज है, मुझे उन्होंने कैप्सूल्स दे दिए इतने बड़े बड़े, फिर मैंने कैप्सूल्स अंदर किए तो सही, पर मैंने ये दूध और इसबगोल के साथ मैंने इसको खाया, वरना मुझे एकदम से रिएक्शन कर जाता है। और इसके बाद खैर हुआ भी है, मुझे बड़ा तकलीफ हुई है मुझे मेडिसिन लेने के बाद, पर यह कि मेरे पाँव में जो दर्द था उसका आराम आ गया माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैं ये मेडिसिन थी मेरी, तो ये मैं ले रही थी, और ये दो टाइम लेनी थी मुझे, सुबह भी और शाम को भी, और ये रात का टाइम बस खाने के बाद फिर मैंने मेडिसिन ले ली थी। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है, यहाँ पे 7:10 हो रहे थे, और मैं यहाँ पे बस नाश्ता कर रही थी, सुबह उठ गई थी मैं, तैयार हो गई थी ऑलमोस्ट, और बस मैं नाश्ता कर रही थी, मैंने नाश्ता बनाया, मैंने पराठा और साथ में जो है वो मलाई थी, और वो मैंने दी, मैंने कहा मेरा ठीक होगा तेरा, तो खैर मम्मी चाय पिए बगैर मुझे नहीं भेजती कि पूरा दिन सर में दर्द होता है तेरे तो चाय पी के जाया कर, तो फिर चाय जब पीती हूँ फिर मम्मी कहती है साथ में ये मलाई खा लिया करता है कि तेरे को ना दर्द ना हो मैदे वगैरह में। खैर उसके बाद मैं स्कूल चली गई थी, स्कूल से वापस जब आई तो घर में दाने बने हुए थे, गाँव से आए थे ये दाने, मकई के दाने आए थे इन वो कहते हैं, और साथ में अखरोट थे, और बस ये मैंने छील के रखे हुए थे और दाने पका के रखे हुए थे तवे पे,
और काफ़ी मज़े के होते हैं ये। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने ये खाया, उसके बाद हमारे ये समोसे वाला आया, और समोसा जो है इसका तो मुझे कहना होता है बस इसकी पापड़ी मुझे की ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे मैंने पापड़ी मंगवाई इससे। और साथ में अम्मी ने बनाई थी मेरे लिए खिचड़ी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत दफ़ा बताया भी है अपनी हर वीडियो में, हर दूसरी वीडियो में मैं खिचड़ी खा रही होती, तो आप लोग बोले कि भाई कैसे बोरिंग बनती है खिचड़ी खाती है, कौन खाता है, पर मैं बहुत शौक से खाती हूँ भाई। खैर उसके बाद मेरी दूसरी आफत जिसका मुझे इंतज़ार था वो भी आ गई, और इस टाइम मैं घर में मौजूद नहीं थी। मैं वापस जब घर पे आई तो अम्मी ने कहा कि तेरा पार्सल आया था, तो ये इस टाइम स्कूल में थी, तो अम्मी ने फिर मुझे बताया कि तेरा पार्सल आया था। मैंने सबसे पहले पार्सल को खोला तो इसमें रोज़मेरी लीव्स थे मेरे, और ये लास्ट पार्सल था आई थिंक, जो बॉटल्स आई थी वो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है, क्या हुआ मुझे याद नहीं है, बॉटल सबसे पहले आई थी, उसके बाद हिबिस्कस फ्लावर आया था, उसके बाद ये रोज़मेरी लीव्स रह गए थे, बस ये आ गए थे। और इंशाल्लाह इनकी बहुत जल्दी वीडियो आएगी जो कि हेयर ऑयल की वीडियो है, बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी, और इसमें क्योंकि प्रोसेस उसका थोड़ा लंबा था तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ साथ साथ, और इंशाल्लाह जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों के साथ आएगी, और उसके रिजल्ट्स भी मैं उसके शेयर करूँगी आप लोग के साथ इंशाल्लाह। बट आप बस जो है मेरे साथ बने रहें। खैर आज की वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।